अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समी। आप देख रहे हैं एशियन किंग टेक और इस वीडियो में हमारे पास वीवो की दो डिवाइसेस मौजूद हैं यूज़ में, वीवो Y15s और वीवो Y12a। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीवो Y15s की और आप देख सकते हैं इसमें आपको एंड्रॉयड 12 और फन टच OS भी लेटेस्ट मिल रहा है और इसका एक ही वेरियंट आया है जिसमें आपको 3GB रैम और 32GB की स्टोरेज मिलती है। और आप वीवो की हर डिवाइस में देखेंगे सबसे ज़्यादा डिज़ाइन पर ही फोकस किया जाता है। इस डिवाइस में भी डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है इस डिवाइस में आपको। लेकिन वीवो की तरफ से आपको जो स्पेक्स हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं इनकी प्राइस रेंज के हिसाब से। और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक बनाया गया है जिसमें मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। और चिपसेट की अगर बात करें तो इसमें मीडियाटेक का हेलियो P35 लगाया गया है। तो वीवो के आजकल 50 से 60 हज़ार वाले फ़ोन्स में भी आपको यही चिपसेट देखने को मिलता है और दूसरी कंपनी भी G35 ही दे रही हैं। और इसके अलावा डिस्प्ले इसमें आपको 6.5 इंचेस का मिलता है 720p रेजोल्यूशन के साथ और बैटरी इसमें 5000 mAh की लगाई गई है जो कि इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी कॉमन है। तो ये थे इसके कुछ मेन स्पेक्स। और अब अगर हम देखें इसकी कैमरा ऐप में फ़ीचर्स और क्वालिटी को, और क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है लेकिन यहाँ पर आपको जो बेसिक फ़ीचर्स हैं वो भी देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर स्लोमो या नाइट मोड वगैरह की ऑप्शन भी नहीं दी गई है और वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप 1080 तक ही कर पाओगे इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से। और इसकी यूज़ प्राइस की अगर बात करें तो अभी आपको 10x10 कंडीशन में कंप्लीट सामान के साथ 5 से 6 महीने वारंटी में 30,000 का मिलेगा। और अब ये मॉडल डिसकंटिन्यू कर दिया गया तो अब ये आपको सिर्फ यूज़ में ही मिलेगा और इसकी जो इनवाइस प्राइस थी वो तकरीबन 45,000 तक हो गई थी। और अब हम बात कर लेते हैं वीवो Y12a की। और वीवो Y15s और वीवो Y12a में आपको ज़्यादा स्पेक सेम ही देखने को मिलते हैं, बस जो बेसिक फ़र्क है वो यहाँ पर इनके डिज़ाइन और प्रोसेसर में होने वाला है। बाकी सभी फ़ीचर सेम ही रखे गए हैं और इसमें भी आपको 3GB रैम और 32GB की स्टोरेज मिलती है। और इसमें आपको प्रोसेसर थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है लेकिन ये भी एक पुराना चिपसेट है स्नैपड्रैगन 439 का। और अब अगर हम देखें इसकी कैमरा ऐप में फ़ीचर्स और क्वालिटी को, और इसके कैमरा फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कम से कम पोर्ट्रेट की ऑप्शन तो देखने को मिल जाती है लेकिन यहाँ पर भी स्लोमो या नाइट मोड वगैरह की ऑप्शन नहीं दी गई है। और इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी बेहतर है Y15s से। और वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से आप इसमें भी मैक्सिमम 1080 की ही रिकॉर्डिंग कर पाओगे इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से। और प्राइसिंग के हवाले से अभी आपको 10x10 कंडीशन में कंप्लीट सामान के साथ 27,000 का मिलेगा। तो फिर भी ये Y15s से थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है अगर आप वीवो का ही फ़ोन लेना चाहते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनकी शॉप का एड्रेस मौजूद है, आप वहाँ जाकर इनसे ये मोबाइल ख़रीद सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।